नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल बरसाती सीजन में घर के आसपास घास और पेड़ पौधे के झाड़ियाँ बढ़ जाते हैं, जिस कारण आसपास मच्छर मक्खी ज़्यादा पनप आते हैं और घर के अंदर मच्छर भी आ जाते हैं, जो शाम से रात तक आपको बेचैन कर देते हैं। कई बार तो रात की नींद भी ये मच्छर हराम कर देता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि घर में आप घरेलू उपाय के जरिए किस प्रकार मच्छर से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल आसान है। क्या करें, कपूर ले लें और आसपास उपले, आप समझते होंगे गाय भैंस के गोबर का जो कंडा होता है, गोइठा कुछ लोग कहते हैं, कहीं पे उपले कहा जाता है, उपले पर आप दो चार कपूर के टुकड़े को रख कर उसमें आग लगा दें। कपूर और गोइठे उपले के धुएं के कारण मच्छर आपके घर से दूर भाग जाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। हालांकि आजकल लोग ज़्यादातर मच्छर भगाने के लिए बाहर से कॉइल लेके आते हैं, जैसे कछुआ, मॉर्टिन वगैरह वगैरह, लेकिन इन तमाम कॉइल्स में केमिकल मिक्स होता है, पॉइजन भी मिक्स होता है, जिसे आप अगर अपने घर में जलाकर छोड़ दें तो आपके बच्चों को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है और साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इससे आपके सांस की नली और फेफड़े में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आप घरेलू उपाय के तहत अगर उपले जलाएंगे और कपूर जलाएंगे तो ना केवल आपको मच्छर से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपके घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा, जिसमें मच्छर के साथ साथ आजकल बैक्टीरिया, जो मौसमी बैक्टीरिया फैल जाता है घरों के अंदर, वो भी मर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कपूर ना मिले तो कपूर के जगह आप लहसुन की कली को भी यूज कर सकते हैं। लहसुन की कली से भी मच्छर भाग जाता है। इसके अलावा आप तेज़पत्ता का इस्तेमाल करें तो भी आप उपले पर तेज़पत्ता रख के जलाएंगे तो भी मच्छर भाग सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये था आज मच्छर भगाने का आसान घरेलू उपाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे और आप उसे देखकर उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, डॉक्टर के पास आपको ना जाना पड़े, इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।